हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने कृत्रिम कायु प्रवर्धन को तथा इसके समस्त भागों को अच्छे से समझा था। आज की क्लास में हम सूक्ष्म प्रवर्धन, लैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन को भी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का ही एक भाग कहा जा सकता है, क्योंकि यह भी पौधों में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। इसे भी मनुष्यों के द्वारा कृत्रिम रूप से कराया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। इस विधि द्वारा मातृ पौधे के थोड़े से ऊतक द्वारा हजारों नए पादपों को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें पौधे के जिस भाग से प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भी भाग से टिश्यू का छोटा सा भाग काटकर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इसे अजर्म परिस्थितियों में किसी उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराया जाता है, जहाँ टिश्यू को ही ऊतक बोलते हैं, ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करने लगता है, जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलस कहा जाता है। इसे सुरक्षित रख लिया जाता है, कैलस को सुरक्षित रख लिया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर इसका एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां ये वृद्धि करके नन्हे पौधे के रूप में विकसित होने लगता है। और जब ये नन्हे पौधे के रूप में विकसित हो जाता है तो उसे मृदा में, मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार में ही ऊतक संवर्धन के द्वारा लंबे समय तक तथा बड़ी संख्या में पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन को ही ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि क्या किया जाता है, इसमें मदर पौधे के केवल टिश्यू को लिया जाता है, ऊतक को लिया जाता है। ऊतक क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका जो संरचना और कार्य के रूप में समान होते हैं। ठीक, तो ऊतक के बारे में आपको पता ही है। इसमें क्या किया जाता है, ऊतक को जब निकाला जाता है पौधे के किसी भाग से तो उसको अजर्म परिस्थिति या एसेप्टिक कंडीशन, अजर्म परिस्थिति या एसेप्टिक कंडीशन, ये क्या होता है? अजर्म नाम से ही क्लियर हो रहा है, जर्म जीवाणु बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि ऐसी परिस्थिति में टिश्यू को रखना जिसमें बिल्कुल भी कोई अन्य जीवाणु या बैक्टीरिया बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अजर्म परिस्थिति। तो अजर्म परिस्थितियों में रखकर एक उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराया जाता है। संवर्धन माध्यम यानी कि कल्चर मीडियम। अब ये क्या होता है, तो कल्चर मीडियम को हम इस प्रकार समझ लेते हैं कि कल्चर मीडियम इज अ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, सब्सटेंस वुड बी सॉलिड और लिक्विड, दैट इज़ यूज्ड टू कल्टीवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि संवर्धन माध्यम क्या है, संवर्धन माध्यम को हम किस तरह समझेंगे या कल्चर मीडियम को, कि ये एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है, और जिसका उपयोग हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उगाने में करते हैं। ठीक है,
तो जब टिश्यू को कल्चर मीडियम में रखा जाता है तो वहाँ वो न्यूट्रिएंट्स कई प्रकार के उसमें होते हैं। इस मीडियम में कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भी पड़े होते हैं, तो इन न्यूट्रिएंट्स को वो अवशोषित करता है और धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है, ठीक है, और जिससे कि कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं। और ये गुच्छे जो हैं, जिन्हें कहते हैं कैलस, इन्हीं को सुरक्षित कर लिया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर इन कैलस का एक छोटा टुकड़ा किसी ऐसे माध्यम में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहाँ ये वृद्धि कर सके और एक पौधे का रूप ले सके। आइए हम फिगर के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, एक प्लांट टिश्यू पौधे के किसी भी भाग से लिया गया है, जिसे स्टरलाइज्ड कर दिया गया है। स्टरलाइज्ड मतलब अजर्म कर दिया गया है, ठीक है, जीवाणु मुक्त कर लिया गया है, और इसे न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा गया है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में रखने पर ये टिश्यू न्यूट्रिशन को अवशोषित कर लेता है और वृद्धि करने लगता है, और इसके बाद वृद्धि करके ये कैलस के फॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैलस। इसके बाद प्रत्येक कैलस को सेपरेट कर देते हैं एक छोटे छोटे सेल में, इसे हम बोलते हैं सिंगल सेल कल्चर्ड। ये कैलस है, कैलस को ही अलग कर लिया गया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सिंगल सेल कल्चर्ड। नेक्स्ट देखिए, और जब हमें एक नए पौधे की आवश्यकता होती है तो उसमें से हम एक सेल को निकाल के उसे दूसरे मीडियम में रख देते हैं न्यूट्रिएंट्स के, और वो धीरे धीरे कुछ दिनों में एक नए पौधे में परिवर्तित हो जाता है। जब वो पौधे के रूप में विकसित होना शुरू कर देता है तब हम उसे यहाँ से निकाल कर मृदा में या मिट्टी में रोपित कर देते हैं, जिससे कि एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ऊतक संवर्धन द्वारा या सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा एक ही बार में और काफ़ी कम समय में ही बड़ी संख्या में पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार का संवर्धन मशरूम, गुलदावरी, सतावर, आर्किड आदि में किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब नई संतति यानी कि जीव की उत्पत्ति दो अलग अलग जीवों द्वारा हो या नया जीव का निर्माण एकल जीव द्वारा हो तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब नई संतति की उत्पत्ति दो अलग अलग जीवों यानी कि विपरीत लिंगी जीव यानी कि नर मादा, नर या मादा, नर अलग हो और मादा अलग हो, ठीक है, या फिर नर या मादा युग्मकों का निर्माण, नर या मादा युग्मक यानी कि किसी नर या मादा नए जीव का निर्माण किसी एकल जीव द्वारा हो, किसी एकल जीव, या तो वो जीव नर हो या फिर वो मादा हो, तो इसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। फिर से सुन लीजिए कि जब नए जीव की उत्पत्ति दो विपरीत लिंगी जीवों द्वारा, दो अलग अलग जीवों द्वारा, नर और मादा के द्वारा हो तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसके अलावा या फिर नया जीव किसी एकल जीव द्वारा, किसी नर के द्वारा या फिर किसी मादा के द्वारा जन्म ले तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। जब एक ही जीव द्वारा नर व मादा जीव की उत्पत्ति होती है तो इसे द्विलिंगी जीव कहते हैं।
यानी कि कोई एक ही जीव नर या मादा जीव को उत्पन्न करे तो उस जीव को क्या कहते हैं? द्विलिंगी, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। ठीक है। और यदि दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण अलग अलग जीवों के द्वारा होता है तो उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जब जीवों का निर्माण अलग अलग जीवों द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी, यानी कि यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बहुत ही ध्यान समझिएगा, द्विलिंगी और एक लिंगी। द्विलिंगी यानी कि दोनों लिंग एक में हों, ठीक है, और एक लिंगी यानी कि एक जीव के पास केवल एक ही लिंग हो, एक जीव केवल नर है या फिर वो मादा है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जबकि द्विलिंगी क्या होता है? द्विलिंगी यानी उसमें नर के भी कैरेक्टर हैं और उसमें मादा के भी कैरेक्टर हैं, इसलिए उसे हम बोलते हैं द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज होकर या मिलकर जाइगोट में परिवर्तित हो जाते हैं और जाइगोट विभाजित होकर एक नए ऑर्गेनिज्म या नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी तीन भागों में विभाजित है, निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दूसरा है निषेचन फर्टिलाइजेशन एंड तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? निषेचन पूर्व घटनाओं में पहले नर और मादा गैमेट का निर्माण होता है, ठीक है, नर और मादा गैमेट का निर्माण होता है। ये कैसे होते हैं? ये हैप्लॉयड होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है, ठीक है, हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड को हम सिंगल एन से शो करते हैं, इस तरह से, ऐसे हैप्लॉयड होते हैं तो ऐसे करते हैं, डिप्लॉयड होते हैं टू एन शो करते हैं, लेकिन गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, ठीक है। और ये जो नर और मादा गैमेट होते हैं ये स्ट्रक्चरली कह सकते हैं, आकार में ये डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी कह सकते हैं कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में दो प्रकार के गैमेट बनते हैं, एक होता है नर गैमेट और दूसरा होता है मादा गैमेट, और इन ये दोनों संरचना में भी भिन्न भिन्न होते हैं। नर गैमेट को पुंमड़ु या शुक्राणु कहते हैं, पुंमड़ु या शुक्राणु, माइक्रोगैमेट्स या स्पर्मेटोजोआ। देखिए नर गैमेट को क्या बोलेंगे, नर गैमेट, मेल गैमेट, पुंमड़ु या शुक्राणु, इसी को बोलते हैं माइक्रो गैमेट्स। इस पर मैं तो जो, ठीक है,
और मादा गैमिट को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमिट को? फीमेल गैमिट को बोलते हैं अंड या मैक्रो गैमिट। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में कितने प्रकार के गैमेट पाए जाते हैं? दो प्रकार के, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ठीक है, तो दो प्रकार के गैमेट पाए जाते हैं, इसलिए इन जीवों को क्या बोलेंगे? जीव नहीं, इस प्रकार की परिस्थिति को क्या बोल देंगे? तो इस प्रकार की परिस्थिति को बोलते हैं विषम युग्मता। विषम युग्मता। हेटेरोगैमेट। हेटेरोगैमेट। मेल गैमेट के मुकाबले में जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है, यानी फीमेल गैमेट बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है, अचल होती है, जबकि मेल गैमेट क्या होता है, वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, वो चलायमान होता है। ठीक है, इसके पहले अभी हम लोगों ने समझाई है द्विलिंगी और एकलिंगी। द्विलिंगी क्या, जब फीमेल और मेल गैमेट एक ही प्राणी में हो, फीमेल और मेल गैमेट एक ही प्राणी में हो तो उसे हम कहते हैं द्विलिंगी, बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल को के अलावा इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे जैसे मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, द्विलिंगी प्राणी को ही बाईसेक्सुअल, मोनोसियस तथा हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। द्विलिंगी प्राणी कौन कौन से होते हैं? जैसे लीच हो गया, अर्थवर्म यानी केचुआ, स्पंज, लीवर फ्लूक आदि। ठीक है, और एकलिंगी हमने देखा था, एकलिंगी क्या होता है, जब मेल और फीमेल अलग अलग प्राणी हों। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं एकलिंगी। एकलिंगी क्या कहा गया था, यूनिसेक्सुअल। इसके अलावा इन्हें डायोसियस भी कहते हैं, एकलिंगी, यूनिसेक्सुअल, डायोसियस। एकलिंगी द्विलिंगी बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ध्यान समझिएगा। एकलिंगी यानी कि मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है ना। द्विलिंगी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है। ठीक है, तो एक लिंगी का उदाहरण क्या होगा, जैसे मनुष्य। ठीक है, और जब पौधों में क्या होता है, द्विलिंगी और एक लिंगी शब्द का प्रयोग हम नहीं करते पौधों की कंडीशन में। ठीक है, द्विलिंगी पौधा के लिए हम यूज करते हैं समथैलसी वर्ड, समथैलसी, होमोथैलिक। ठीक है, इसीलिए इसी प्रकार से एक लिंगी पौधों के लिए हम हेटरोथैलिक या विषम थैलसी शब्द का उपयोग करते हैं। अगर पौधा द्विलिंगी है, यानी कि उसमें नर और मादा दोनों के कैरेक्टर हों, तो पौधा क्या कहलाएगा, होमोथैलिक। ठीक, और अगर पौधा एकलिंगी है, यानी कि वो केवल नर है या केवल मादा है, मतलब तो वो दो प्रजातियों पाया जाता है, एक नर हो सकता है और एक मादा। ठीक, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेटरोथैलिक। इसके अलावा मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि नर और मादा गैमेट जो होते हैं वो आकार में, संरचना में अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शैवाल हैं
जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, उसमें नर और मादा गैमिट देखने में बिल्कुल समान होते हैं। तो ऐसे नर और मादा गैमिट जो देखने में समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं समयुग्मक। ऐसे नर व मादा गैमिट जो देखने में समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समयुग्मक। समयुग्मक यानी आइसोगैमिट्स या होमोगैमिट्स। इसके अलावा पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर स्टामिनेट, स्टामिनेट या स्टामिन भी कहते हैं इसे, स्टामिन। ठीक है, और मादा पुष्प को क्या बोलेंगे? मादा पुष्प को बोलते हैं स्त्री केसर। पिस्टिलेट या फिर पिस्टिल। शॉर्ट फॉर्म में इनको स्टामिन पिस्टिल ही बोलते हैं, या पुंकेसर स्त्री केसर। जब नर तथा मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होते हैं तो इन पौधों को क्या बोलते हैं? एक लिंगाश्रयी, डायोसियस। जब नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर हों तो उन्हें क्या बोलेंगे? एक लिंगाश्रयी। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण क्या है? जैसे पपीता, खजूर आदि। ठीक है, इनमें क्या होता है? नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पे होते हैं। तो ये किस प्रकार के पौधे हैं? ये एक लिंगाश्रयी या डायोसियस प्लांट होते हैं। और जब नर और मादा पुष्प अलग अलग हों लेकिन एक ही पौधे पर हों, यानी कि पौधा एक हो, पौधा एक ही हो लेकिन पुष्प अलग अलग जगह पे हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पुष्प है तो ये है फीमेल पुष्प है, ठीक है, फीमेल फ्लावर है, और इधर कोई फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है, यानी कि पौधा एक हो। ठीक, पौधा एक हो लेकिन फ्लावर जो हैं वो अलग अलग हो। तो ऐसे पौधों को क्या कहेंगे? ऐसे पौधों को हम कहते हैं मोनोसियस। ठीक, जैसे कि मक्का, इन्हें हम द्विलिंगी या बाईसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम द्विलिंगी और बाईसेक्सुअल प्लांट भी कह सकते हैं। तो एक लिंगाश्रयी पौधे, ठीक है, मोनोसियस पौधे, स्त्री केसर, पुंग केसर, ये सब चीज़ें आप अच्छे से समझेंगे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को कि युग्मक क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। चाहे, ठीक है, चाहे उनके जनक अगुणित हों या फिर द्विगुणित हों, ठीक है, हमेशा युग्मक कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, अगुणित होगा। तो अगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा तथा द्विगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण जैसे कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट, ये अगुणित हैं, जबकि टर्डोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मनुष्य तथा कुछ अन्य प्राणी ये द्विगुणित होते हैं। जैसे आप लोगों से पूछ भी लिया जाता है कि
कि मनुष्य में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 और अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 23। इसी प्रकार से अन्य जीवों में भी पूछा जाता है, जैसे या तो पूछा जा सकता है आप लोगों से मक्के में कितना होता है गुणसूत्र, तो मक्के में द्विगुणित गुणसूत्र कितने होते हैं? 20 और अगुणित 10। आलू में 48 और अगुणित 24। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग कुछ अन्य पौधों के या जंतुओं के गुणसूत्रों की संख्या याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो युग्मक धानियों में जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तो नर और मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया हो सके। तो अभी पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि कुछ या अधिकांशतः जो है नर युग्मक चलायमान होते हैं, मोटाइल होते हैं, जबकि मादा युग्मक अचल होती हैं, अचलायमान नॉन मोटाइल होती हैं। तो जो साधारण पादप होते हैं या कह सकते हैं कि जो जल में उगते हैं, ऐसे पौधों में नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए क्या जरूरत, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जल में उगने वाले पौधे जैसे शैवाल, बायोफाइट, टाइडोफाइट या कुछ अन्य पौधे, उसमें नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुँचने के लिए जल से होकर गुजरता है। जबकि बीजी पौधे उसमें कैसे होते हैं? तो उसमें नर युग्मक परागकणों के माध्यम से वर्तिका तक अनेक माध्यम जैसे वायु, जल या फिर कुछ जंतु या कीटों के द्वारा वर्तिका तक पहुंचते हैं और वर्तिका पर पहुंचकर अंकुरित हो जाते हैं, जिससे पराग नली का निर्माण होता है और ये पराग नली अपने साथ नर युग्मकों को अंडक में प्रवेश करा जाती है और वहाँ पे पहुँचकर परागनली नर युग्मक को अंड के पास मुक्त कर देती है, जहाँ से नर और मादा युग्मक या नर या अंड का निषेचन होता है और जायगोट का निर्माण होता है। तो अगली क्लास में हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है निषेचन फर्टिलाइजेशन और जो थर्ड पार्ट है निषेचन पश्च घटनाएं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 की बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने लैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन की घटनाएं के बारे में पढ़ा था। लैंगिक जनन की घटनाएं 3 भागों में विभाजित हैं, जैसे निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन तथा निषेचन पश्च घटनाएं। इसमें से हम लोगों ने निषेचन पूर्व घटनाओं को समझ लिया है। आज हम निषेचन तथा निषेचन पश्च घटनाओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निषेचन। 2 युग्मकों यानी कि मेल और फीमेल गैमेट, युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमेट। 2 युग्मकों के युग्मन या संलयन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जो जायगोट का निर्माण होता है उसे ही निषेचन कहते हैं। तो चलिए इसे लीनियर डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए बेटा, यहाँ मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, इन दोनों के संलयन, संलयन मतलब मिलना, ठीक है, संलयन से क्या किसका निर्माण होता है? जायगोट का निर्माण होता है। तो युग्मकों के संलयन से जायगोट का जो निर्माण होता है इसे ही कहते हैं निषेचन, और युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? युग्मक संलयन। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? युग्मक संलयन।
या फिर सिंधगैमी। ठीक है, मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन को भी सिंधगैमी कहते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि मधुमक्खियाँ हो गई, रोटीफर्स या फिर कुछ छिपकलियाँ, या एक पक्षी होता है इसका नाम है टर्की, उसमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण हो जाता है। मतलब कि जैसे मधुमक्खियाँ, रोटीफर्स और छिपकली आदि में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है, और मादा युग्मक जो होता है फीमेल गैमेट, इसमें बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है, नया जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन, इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन या फिर पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कि बिना निषेचन के ही नए ऑर्गेनिज्म, नए जीव का निर्माण करना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें युग्मक संलयन शरीर के बाहर संपन्न होता है, तो उसे हम कहते हैं बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे कि शैवाल, मछलियाँ, या फिर कुछ उभयचर समझ रहे हैं ना, जो जल और थल दोनों में ही निवास कर सके, तो कुछ उभयचर प्राणियों में भी युग्मक का संलयन जो है शरीर के बाहर, उनके शरीर के बाहर होता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसी प्रकार से जिन जीवों में फर्टिलाइजेशन या निषेचन शरीर के अंदर होता है उसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है, लगभग सभी स्थलीय जीवों में युग्मक संलयन की प्रक्रिया शरीर के भीतर संपन्न होती है, इसे हम कहते हैं आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे सरीसृप वर्ग के जंतु, पक्षी, स्तनधारी मैमल्स, कवक, पादप, इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अब नेक्स्ट है हमारा निषेचन पश्च घटनाएं। ऐसी सभी घटनाएं जो युग्मनज निर्माण के पश्चात होती हैं और लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती हैं उनको हम कहते हैं निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, तो हमने अभी देखा था निषेचन में कि दो युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, और यही युग्मनज जो है वृद्धि करता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा और अगुणित बीजाणु का निर्माण करता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मनज वृद्धि करके भ्रूण में विकसित हो जाता है उसे हम कहते हैं भ्रूणोद्भव या एम्ब्रायोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव
या एम्ब्रायोजेनेसिस। वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज भ्रूण का विकास होता है उसे हम कहते हैं भ्रूणोद्भव या एम्ब्रायोजेनेसिस। इस दौरान समसूत्री कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभाजन होता है। विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और ये कोशिकाएं वृद्धि करके क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है तथा अंग तंत्रों के निर्माण के द्वारा एक जीव शरीर का निर्माण होता है। समस्त प्राणियों में युग्मनज का विकास या तो मादा शरीर के भीतर होता है या फिर मादा शरीर के बाहर। तो इस आधार पर इन्हें दो प्रकार में विभाजित किया गया है, अंड प्रजक ओविपैरस तथा सजीव प्रजक विविपैरस। ठीक है, मादा शरीर के भीतर तथा मादा शरीर के बाहर नए प्राणी के विकास के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, अंड प्रजक ओवी पैरस और दूसरा है सजीव प्रजक वीवी पैरस। अंड प्रजक में क्या होता है, अंड प्रजक में प्राणी अनिषेचित अंडे देते हैं और जो कैल्शियम युक्त कवच से ढका होता है। अंड प्रजक में जो प्राणी होते हैं वो अनिषेचित अनफर्टिलाइज्ड एग देते हैं। ठीक है, जो कि कैल्शियम युक्त कवच से ढका रहता है और एक निश्चित अवधि पूर्ण होने पर इसमें से एक नए शिशु का जन्म होता है। जबकि सजीव प्रजक में क्या होता है, सजीव प्रजक में प्राणियों का जो निषेचित अंडा होता है वो मादा शरीर के अंदर विकसित होता है और मादा शरीर के अंदर ही शिशु का निर्माण होता है और ये शिशु पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद अपनी एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो अंड प्रजक का उदाहरण कौन कौन सा है, अंड प्रजक जैसे कि पक्षी, सरीसृप आदि, और सजीव प्रजक जैसे कि मनुष्य, इसी प्रकार से पुष्पीय पादपों में पुष्पीय पादप यानी कि एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में होता है, एम्ब्रियो शेक बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश को ही बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। निषेचन के पश्चात पुष्प के अन्य भाग जैसे कि बाह्य दल पुंज तथा पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। जितने भी बाह्य भाग होंगे जैसे कि बाह्य दलपुंज, दलपुंज तथा पुंकेसर ये समस्त भाग क्या होंगे, मुरझा के नष्ट हो जाएंगे।
किंतु कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनमें बाह्य दलपुंज यानी कि सेपल वो फल निर्माण के बाद भी नहीं झड़ते तथा फल से लगे रहते हैं। ऐसे कौन कौन से पौधे हैं? जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च। इनमें फ्रूट का निर्माण हो जाता है फिर भी बाह्य दलपुंज नष्ट नहीं होता बल्कि फल के साथ ही लगा रहता है, जैसे कि आप लोगों ने टमाटर देखा ही होगा इस तरीके से। तो इसमें एक इस तरह से हरी हरी संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये क्या है? बाह्य दलपुंज है। सेम इसी तरीके से बैंगन में भी होता है। ये क्या है? ये भी बाह्य दलपुंज है, सेपल है। मिर्च में भी इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। तो ये किसका उदाहरण है? ये सब बाह्य दलपुंज सेपल्स का उदाहरण होता है। युग्मनज से और जिसमें ये चीजें नष्ट हो जाती हैं उसमें क्या होता है? युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बीजांड से बीज तथा अंडाशय का निर्माण होता है। और जो विकसित होकर अंडाशय विकसित होकर किसका निर्माण करता है? फल का और फल भित्ति समझ रहे हैं? फल भित्ति यानी कि जो फलों के ऊपर जो छिलका होता है उसे बोलते हैं। तो यही अंडाशय बीज या अंडाशय जो है ये विकसित होकर फल और फल भित्ति का निर्माण करता है। पुष्पीय पादपों में फल निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यह विकसित हो रहे बीजों को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करती है, ठीक है। और यही बीज अनुकूल परिस्थिति के आने पर एक नए पादप को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार ये निषेचन पश्च घटनाएं समाप्त हो रही हैं। और आपका जो चैप्टर 1 था जीवों में जनन, ये भी समाप्त हो गया। लैंगिक जनन बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लैंगिक जनन जीव जाति की संख्या में वृद्धि करता है तथा उसके फैलाव को नियंत्रित करता है और जीवों की जनसंख्या में अनेक प्रकार से विभिन्नताएं उत्पन्न करता है और जैव विकास को भी बढ़ावा देता है। तो ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो गया।